स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 के जो थ्योरीज थे जो हमने अभी कंप्लीट किए प्रीवियस 2 वीडियोस में, आई होप अपने वो कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। इसमें दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने स्टडी मैट में दिया हुआ है, दैट इज वन इज फ्रॉम द एग्जाम्पल और दूसरा है प्रैक्टिकल सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। सो लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी। एग्जाम्पल बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ वीआर कैन बी अंडरस्टैंड। ओके, द क्वेश्चन इज सपोज यू होल्ड 2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें अभी तक पता चल गया है कि वीआर क्या होता है। वीआर होता है वार का मतलब अपना होता है वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करने का एक मेजर, जो कि हमने विकिपीडिया के डेफिनेशन से पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो इस सेट ऑफ एग्जाम्पल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर लिया जाए, उसकी क्या फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग अप्लाई करके एक्चुअल रिजल्ट लेके आ पाएं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है आज, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको कितना रिस्की हो सकता है, कितना मैक्सिमम रिस्क हो सकता है और एक कितना रिस्क हो सकता है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे। सपोज एज्यूम कि मेरा पैसा लगा हुआ है, सपोज यू होल्ड ₹2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आपके पास एक्स लिमिटेड की 2 करोड़ शेयर्स पड़े हुए, ओके, आप एक इन्वेस्टर हो, अज्यूम करते हैं, हुज मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2% पर डे, जिसका कि मार्केट प्राइस में डेविएशन, जो कि सपोज करिए आपके शेयर का मार्केट प्राइस 1000 रुपीज है, उसमें 2% अप एंड डाउन वैल्यू होती रहती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब, ठीक है। Assuming 252 ट्रेडिंग डे अ ईयर, साल में 365 दिन होते हैं, आई होप हम लोग बचपन से पढ़ाया गया भैया एक साल में 365, लेकिन लीप ईयर में 366, ठीक है, बट उसमें बहुत सारे हॉलीडेज रहते हैं तो ट्रेडिंग हर डे नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल सैटरडे एंड संडेज आर ऑफ इन स्टॉक एक्सचेंज। तो 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, 2% का डेविएशन है। डिटरमाइन मैक्सिमम लॉस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 10 and 1 day, एक ट्रेडिंग डे में और 10 ट्रेडिंग डे में कितना नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम लॉस लेवल क्या हो सकता है विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका क्वेश्चन तो ये होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये हम बात करेंगे अभी, इसका जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फॉर्मूला क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉर। हमारे पास डेटा क्या है, डेटा को कंबाइन करते हैं, फिर फॉर्मूला देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपेंड टू दिस, तो VAR, वॉर इज वैल्यू एट रिस्क। अब वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं, VAR इज इक्वल टू जेड स्को इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी वन डे का रहेगा तो वन डे, अगर ये 10 डे का रहेगा तो 10 डे, एज द केस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक दिन का पूछा तो आप एक दिन का बताइए, 10 दिन का पूछा मीन VAR, अगर एक दिन का पूछा तो एक दिन का, 10 दिन का पूछा तो 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा। All over the picture is war is equal to standard z score into standard deviation. Clear है formula, एकदम clear होना चाहिए कि war is equal to z score into standard deviation. नहीं पता हमें कि z score क्या है और standard deviation क्यों यहाँ पे लाया गया है। Standard deviation basically generally क्या होता है कि आपके values में up and down को measure करता है, positive और negative दोनों को combine करता है, ठीक है। सपोज करिए 1000 रुपए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 1000 रुपए मार्केट शेयर है, ठीक है, 1000 रुपए मार्केट शेयर है आपका, मार्केट शेयर का प्राइस है, तो वो 2 रुपए ऊपर गया 2 रुपए नीचे गया, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है तो मेरा कहने का मतलब ये प्रॉफिट भी दिखाता है लॉस भी दिखाता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जेड स्कोर का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल का यूज करके हम लोग जेड स्कोर निकालते हैं। सपोज करो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल अपने क्वेश्चन में 99% है, तो उसका एक पर्टिकुलर जेड स्कोर है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो डिराइव नहीं हो,
हम लोग डिराइव करने नहीं जा रहे, तीन चार सेट ऑफ जेड स्कोर है जो जनरली पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसका वैल्यूज रहता है, वो वैल्यूज आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविजन, अब स्टैंडर्ड डिविजन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविजन अगर आपको याद हो, बचपन में हमने क्लास 9-8 से पढ़ते हुए आ रहे भाई, कि स्टैंडर्ड डिविजन क्या है? रूट ओवर ऑफ वेरियंस। अब स्टैंडर्ड डिविजन क्या होता है? रूट ओवर ऑफ वेरियंस। और वेरियंसेस क्या होते हैं, तो हमें स्टैट्स पढ़ने चले जाना होगा। तो इतना डिटेल में आप समझिए कि स्टैंडर्ड डिविजन वेरियंस से आया। वेरियंस मतलब वैल्यूज को, वेरियंस जो होता है, वेरी वैल्यूज जो होते हैं 10 से 15, 15 से 10, तो वेरियंस के स्क्वायर से अपने एसडी निकालते हैं। एसडी का यूज अपने वॉर में करते हैं। बेसिकली दीज और ऑल आर इंडिकेटिंग फॉर चेंजेस, कितना डिविजन हो रहा है। तो वॉर का फॉर्मूला है जेड स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डिविजन। स्टैंडर्ड डिविजन में पॉजिटिव इफेक्ट्स को बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जेड स्कोर यूज करते हैं। अब जेड स्कोर क्या है, ये डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पे, हमने बात की। अब कॉन्फिडेंस लेवल जैसे हमारे क्वेश्चन में 99% है, कहीं 95 भी हो सकता है और कहीं 90 होता है। जनरली ये तीन पूछे जाते हैं। अब इसकी वैल्यूज पहले से डिराइव है, आप याद कर लीजिए कि ये है 2.33, ये है 1.65 आई गेस, 1.645, तो 65 मानते हैं इसको, और ये है 1.28। और इंटरेस्टिंगली हमारे दोनों क्वेश्चन में सिर्फ 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल स्टोरी ऑफ वॉर। ये फॉर्मूला के बारे में हमने बात की, ये फॉर्मूला है और एक कैसे फॉर्मूला है, क्यों है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब बात आती है कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूलाज है, तो उस फॉर्मूलाज को हम लोग अप्लाई करेंगे। सपोज पहले देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो हमें निकालना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जब करेंगे अपने, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं है, वहाँ पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है, उससे हम उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। चलिए इसके इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार रिकैप करते हैं क्वेश्चन की, हमने 2 करोड़ भैया रुपया लगा दिया है, 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को दिख रहा है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 1 दिन और 10 दिन में, जबकि मेरा नॉर्मल पर ईयर ट्रेडिंग 265 डेज होता है, तो मेरा क्या होगा वैल्यू एट रिस्क, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है एट कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इसके ऊपर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस लेवल की, तो कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है, सपोज ये 99% कॉन्फिडेंट है, 1% नहीं है। सपोज करो मैं वैल्यू एट रिस्क लॉस निकाला 20 लाख 2 करोड़ में लॉस आपका मैक्सिमम हो सकता है, मैं निकाला फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे को 99% श्योरिटी है कि 2 लाख तक का लॉस होगा, लेकिन मेरे को 1% अनश्योरिटी भी है कि ये लॉस 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया कि मैं 99% कॉन्फिडेंट हूँ मेरे आउटकम को लेके इस वेयर फॉर्मूला के थ्रू, लेकिन 1% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सजेस्टिंग। हमारे पास एस डी है, तो फॉर्मूला अगर लगाएं तो वी ए आर वॉर इज इक्वल टू वॉट, जेड स्को इंटू एस डी ऑफ वन डे। तो अपना जेड स्कोर क्या होगा, 2.33, और एस डी दिया हुआ है यहाँ पे 2%। 2% हमारी वैल्यूज कितनी है, 2 करोड़ का 2%, तो 2.33 इंटू दैट इज 2% ऑफ 2 करोड़ इज रुपीज 4 लाख, इसको इंटू कर लिए तो हमारा रुपीज 9.32 लाख का मैक्सिमम लॉस हो सकता है फॉर डे 1, मतलब 1 दिन में अपना लॉस
9.32 हो सकता है, ये मैं 99% श्योर हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 1% ज़्यादा भी हो सकता है, ये मेरे को लिबर्टी मिली है, इस कॉन्फिडेंस लेवल में मैं बात कर रहा हूँ, 99% तो श्योर हूँ, लेकिन 1% चांसेस हैं। अब जब बात आती है 10 दिन की, हमारे पास SD तो डे वन का है, SD ऑफ वन डे है, लेकिन अब हमें SD ऑफ 10 डेज निकालना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, SD ऑफ वन डे इंटू 10 दैट विल बी SD ऑफ 10, बट नहीं, यहाँ पे स्टैटिस्ट में रूट ओवर 10 करते हैं। रूट ओवर 10 क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम वेरियंस निकालते हैं तो वैल्यूज रूट ओवर करके निकालते हैं, तो उस रूट को कैंसिल करने के लिए, ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, वेरियंस से जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब कैसा, क्या डायग्राम है, डायग्राम देख लीजिए, हमने वॉर की बात की, वॉर से पहले क्या होगा SD होगा, और SD से पहले क्या होगा वेरियंस, तो वेरियंस हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर करके निकालते हैं। अब इस रूट ओवर की इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए फिर से हमें रूट ओवर करके इंटू करना होगा रियल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, गॉट इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि एक दिन का SD है, 10 दिन का निकालना है, तो SD ऑफ वन डे इंटू रूट ओवर ऑफ टाइम पीरियड, 2 दिन 10 दिन 5 दिन इंटू कर देंगे सिंपली। ये हॉचपॉच हो गया, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ देखिए, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस फॉर 10 डेज, ये तो डायरेक्ट कर दिए भाई साहब, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, पहले SD निकालते हैं, SD ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू SD ऑफ 1 डे इज व्हाट वी हैव, 4 लाख इनटू अंडर रूट 10, अगर अंडर रूट 10 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी कैलसी इतना स्लो क्यों खोल रहे हो, 10 का अंडर रूट कर दो तो 3.16, ओके 3.16 इंटू कितना करना होगा, 4 इंटू 4 दैट इज 12.65 आ गया अपना, और इसका वॉर निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, VAR इक्वल्स टू 2.33 दैट इज जेड स्कोर, 99% पे ही पूछा है, इनटू करेंगे 12.65 से इनटू 2.33 दैट इज 29.47 दैट इज 29.47 एग्जैक्टली सेम आया। अब भाई साहब इंस्टीट्यूट तो ऐसे कर दिया, आदमी को समझ में नहीं आया कि कैसे है, तो इसको अगर डिटेल में करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, पहले SD निकालेंगे, फिर वॉर के फॉर्मूला में फिट करेंगे जेड स्कोर इनटू SD, बट SD यहाँ पे वन डे का नहीं होगा, SD ऑफ 10 डेज, तो SD का 10 डेज हमने निकाल दिया, 12.65 कैसे आया, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, SD ऑफ वन डे इनटू रूट ओवर ऑफ 10, मतलब 10 दिन का निकालने के लिए रूट ओवर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आई 12.65, फिर हमने जेड स्कोर इनटू SD ऑफ 10 करके वॉर की वैल्यू निकाली 29.47। आई होप यू गॉट द पिक्चर। एक बार मैं अगर रिकैप कर दूं तो इजी रहेगा आपके लिए। वन डे का था और 10 डेज का, फॉर्मूला वही है, जेड स्कू इंटू SD ऑफ वन डे स्लैश 10 डेज, ओके, तो जेड स्कोर दोनों में क्या है, इक्वल है, यहाँ पे आपको SD दिया हुआ है दैट इज़ 4 लाख, 1 डेज का SD दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं, हमने निकाला इसको, कैसे निकाला, SD ऑफ वन डे दैट इज़ 4 लाख इंटू रूट ओवर ऑफ 10, तो 2.33 इंटू 12.65 आई गेस द वैल्यू वॉज, और ये आ गया 29.47।
और ये कितना आया था 9.32. Both are in lakhs. Now, that's it from this question. I move to the next one. That is our practical. Now, in this question, there is a twist. यहाँ पे क्या-क्या देवा देखते हैं पर. Consider a portfolio consisting of 2 lakhs. I'm sorry, 200 lakhs. That is 2 crore. Investment is share XYZ, rupees 200 lakhs in ABC. यहाँ पे दो investment है, 2 करोड़ एक जगह लगाया हुआ है, 2 करोड़ एक जगह, टोटल 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो एक पोर्टफोलियो है. एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये एक पोर्टफोलियो की बात हो रही है. अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि VAR इज जस्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन अ सिंगल इन्वेस्टमेंट, इट इज एप्लीकेबल ऑन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. सो इट कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू योर पोर्टफोलियो, टू योर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ कम्स आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द शेयर्स इज 1% एंड दैट को द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.3. Now here comes the trick. The daily standard deviation, मतलब अगर आप बात कर रहे हो एक दिन के daily deviations का, तो आपको पता चलेगा कि एक दिन का daily deviation क्या है, 1% that the coefficient correlation between, उसमें से coefficient of correlation को R से denote करते हैं. ये एक statistical term है जिसे आपको याद रखना चाहिए. Coefficient of correlation बिटवीन देम, दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, 0.3. बस याद रखिएगा इसको. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द 10-day 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो. क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि एक दिन का रिस्क बताइए. अगर एक दिन का बताता हूँ तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए दस दिन का. तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा 10 दिन के लिए. अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको अब यहाँ पे फॉर्मूला, अपना वॉर निकालने का क्या फॉर्मूला है, वॉर इज इक्वल्स टू जेड स्कोर इनटू एसडी ऑफ 10 डेज. अब सवाल आपका ये होगा कि हमारे पास इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है. लॉजिकल क्वेश्चन है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट दी गई हुई है, हमने ए बी सी और एक्स वाई जेड में 2 करोड़ या 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. ठीक है, डेली का एसडी दिया हुआ, मतलब एक दिन का एसडी दिया हुआ है 1%, और उसका आर, एसडी का फॉर्मूला ऐसे भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्नल, और एक वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसका 0.3. ये डेटा दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, एसडी ऑफ 10 डेज, और फिर हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा. टू पॉइंट थ्री थ्री होगा, कॉन्फिडेंस लेवल 99% हो तो श्योर रहेगा. तो अगर हम ये वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 99% वैल्यूज पे है तो हमारा 2.33 रहेगा. अब वॉर निकालने के लिए हमें बस स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज का निकालना है. अब सवाल आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है. तो देखिए, जब बात आती है एक से ज़्यादा शेयर्स की या फिर डेटा की, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, मोर देन वन डेटा, जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा डेटा है, तो अंडर रूट रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर
ये सारा हम लोग पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, स्टैंडर्ड डिवीजन ए, स्टैंडर्ड डिवीजन बी, फिर आर ए पी, ये फॉर्मूला है. ठीक है, अब जब पोर्टफोलियो पढ़ेंगे तो उसमें वेट भी आता है. जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन ए डब्ल्यू ए, मतलब वेट का भी उसमें टर्म रहता है, लेकिन यहाँ पे वेट हमें पहले से दिया हुआ है. तो अब बस ये समझिए कि हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए ये एक फार्मूला है जिसका हमें यूज़ करना है. स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फार्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन बी का स्क्वायर प्लस टू स्टैंडर्ड डिवीजन ए, स्टैंडर्ड डिवीजन बी और आर ए बी, जो कि आर अपना दिया हुआ था 0.3, जो कि यहाँ पे देखिए फार्मूला लगाया हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने हमें बताया नहीं. अभी बोलेंगे ये वाला फार्मूला कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे. 2 करोड़ है, 2 करोड़ का स्क्वायर करिए, ऐसे रहेगा. ये भी 2 करोड़ है. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी, बी मतलब यहाँ के, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, सपोज़ करिए ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड दो है ना, तो दो के लिए मैंने बोला. फिर टू इंटू 0.3, isn't it? अभी 0.3 क्या है, जो अभी हमने बोला आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से अपनी इसको ले लेंगे. क्लियर है कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन का. स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फार्मूला अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसमें एक आर आ गया है उसका स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू आर, isn't it so simple? Yeah. अब ये होता है 2 2 4, ये क्या हो जाएगा अगर रूट ओवर हटा दे इसका, तो हमारी वैल्यूज इतनी आ जाएगी. अगर रूट ओवर हटा दिया जाए तो अच्छा, ये वेरिएंस निकालें फिर स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लें. हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लें, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4, अब ये कितना हो गया 2AB, 2 2 4 2 8 इंटू 0.3, दैट इज 2.4, तो ये क्या आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन 10.4. देखिए यहाँ पे इसका आया है वही वैल्यू 10.4. अब इसको अंडर रूट करते हैं अपने, इसमें ऐड करना पड़ेगा 8, दैट इज दिस, नाउ वी अंडर रूट इट, दैट इज 3.22. क्लियर है, तो वैल्यू आ गया 3.22. गॉट इट. तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखिए क्वेश्चन में अब क्या होगा, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ 3.22, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरे को ज़्यादा कुछ और करना नहीं है. अगर मैं एक दिन का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूँ तो ये डे वन का है, एक दिन का है. क्वेश्चन अपना कैसे गया है पहले वो देखते हैं. वॉर इज टू होता है जेड स्कोर इंटू एस डी, 10 डेज का होगा. हमने अभी क्या निकाला एस डी ऑफ डे वन, 1 डे का एस डी निकाला है. अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा एस डी ऑफ 10 डेज. ठीक है, तो अब इस को 10 दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था. एस डी ऑफ 10 डेज क्या होता है, एस डी ऑफ 1 डे इंटू अंडर रूट 10. तो ये वैल्यू हो गई 3.22 इंटू अंडर रूट 10 का वैल्यू क्या होगा, टेन अंडर रूट 3.16. अब इंटू क्या करना पड़ेगा 3.22 आई गेस, तो ये आ गया अपना 10.18. तो वॉर में जेड स्कोर अपने को पता था, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता था, और 10 दिन का तो एकदम नहीं पता था. तो एक दिन का वो निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया.
जब एक दिन का निकल गया तो 10 डेज का निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 10.18 इनटू हाउ मच 2.33, दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस जेड इसको, दिस विल बी 23.72, ये आंसर आएगा 23.72। आगे अपना इंस्टीट्यूट का भी उतना ही आया, ठीक है। ये एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ इसके आंसर को, तो और इजी हो जाएगा। चलिए, हमारे क्वेश्चन का सफर शुरू हुआ था यहाँ से, वी ए आर इज इक्वल टू जेड इसको इनटू व्हाट एस डी ऑफ 10, जिसमें से हमें क्या पता था जेड इसको 2.33 और हमें एस डी ऑफ 10 तक पहुँचना था। इसका पहुँचने के लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता एस डी निकालिए एक दिन का, फिर एस डी ऑफ 10 आपका निकालिए। अब एस डी ऑफ 1 डे निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया, दैट इज एस डी इज इक्वल टू एस डी ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस डी ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस डी ऑफ ए एस डी ऑफ बी इंटू आर ए बी, दैट इज बेसिकली नथिंग प्लस ए स्क्वायर, नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और आर यहाँ पे। तो ईजी टू लर्न भी फॉर्मूला है। अब जब ये निकल गया तो हमें यहाँ भी पहुँचना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस डी ऑफ 1 इंटू अंडर रूट जितने टाइम का निकालना है यहाँ पे 10, तो इसको अप्लाई किए, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू आया हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अब वो वैल्यू अपना आया 10.18 और हमारा वैल्यू आ गया 23.72। आई होप यू गाइज इन्जॉयज द आंसर, आपको आंसर पसंद आया हो हम मुझे ये उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 15 और 17। तो हम लोग हमारा अगला चैप्टर ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 होगा। सो आप सभी का हमारी तरफ से शुक्रिया। I'm not afraid to die.